Oh, good morning. आज तो हमारा रिलैक्स रेस्ट डे है, रेस्ट डे. तो सुबह से मैं तीन चार बार चाय पी चुका हूँ और बिस्तर पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ. और बिस्तर पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ, देखिए मस्ती से. और ये बाहर का दृश्य है, इतना बढ़िया धूप निकली हुई. आज मेरे कपड़े धोने का भी दिन था, कपड़े अपने धोए हैं, नाश्ता वाश्ता किया, खूब किया घर में, बढ़िया देर से सो के उठा आराम से. बॉडी का जितना दर्द था सब ठीक हो गया. अब कपड़े बड़े सब थोड़े शाम को आयरन करके कल शिकागो जाने का प्रोग्राम है. और बस सब कपड़े आयरन करूँगा एक तो कल शिकागो ले जाने के लिए. चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मॉर्निंग, आज डे 14 है. आज हम लोग जा रहे हैं शिकागो. सुबह सुबह की फ्लाइट है, अभी 6 बजे सुबह का, 8:30 की फ्लाइट है. देखिए सूरज सनराइज हो गया. मैडम भी आ गई है, आरुषि को बोला था, आरुषि नहीं आई, उसमें काम है. शिप्रा का फ्रेंड आशीष गाड़ी लेके आ गया और अब हम निकल रहे हैं शिकागो के लिए. 8:30 की फ्लाइट है, फ्लाइट 2 घंटे की है, पहुँचेंगे 1 घंटे में. उससे रीज़न ये कि शिकागो 1 घंटा पीछे है, 1 घंटे का फ़ायदा. भीड़ लगी हुई है, 3 दिन की छुट्टी है ना मेरे को यूनाइटेड. अभी हमें gate number 3 पे जाना है, तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे. आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग नेक्स्ट ट्रेन ले लेंगे, कोई बात नहीं. मैडम को टेंशन हो गया, मैडम पर डी और बोरो प्लस निकाल दिया उसने, मैडम को टेंशन हो गया.
ब्रेकिंग ब्रेक लगा दिया। Sorry.
जी बैठे दिख रहे हैं
ground transport, baggage claim. एनिमल रिलीफ एरिया है, मैं आदमी के रिलीफ एरिया नहीं रहता, मैं एनिमल रिलीफ एरिया है मैम। फ्लाइट अच्छी है, पटपट आ गई एक बार क्वालिटी। हाँ ना, झटके झटके नहीं मार रहे। मैडम यहाँ खड़ी है, कोई भी आ रहा है। इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी शक्ल आ रही होगी, चश्मा नीचे कर लेते हैं। अभी आपको ठीक लग रही है मैडम, मुखौटा निकाल अपना, फालतू लगा रखा। अभी 19 डिग्री हो रहा है, थोड़ी देर में धूप भी हट जाएगी। कल ये है यहाँ पे, हम लोग कहते हैं लोहे का है ये स्ट्रक्चर, टर्मिनल 1B है, वो 1E है एग्जैक्ट। सीधे सीधे हम लोग सीधे वॉक करके ना डायरेक्ट सामने ही आ गए, ये हवाई जहाज से निकले सीधे सड़क पर आ गए, ऐसा तो पहली बार हुआ है ना, पहली बार हुआ। अभी हम अतुल भाई का वेट कर रहे हैं, जब आ जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे, अभी घर से निकले शायद।